नमस्कार, मैं भावना रानी, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नगोर, सहारनपुर से ई लर्निंग कार्यक्रम के तहत आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। विद्यार्थियों, पूर्व अध्याय जिसका शीर्षक था संविधान क्यों और कैसे, में हमने अध्ययन किया था कि संविधान केवल हमें सरकार के अंगों, सरकार की संरचनाओं और सरकार की इन संरचनाओं में आपसी और पारस्परिक संबंध के विषय में ही नहीं बताता, बल्कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे देश के नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्व अध्याय में हमने जाना कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय अध्याय भारतीय संविधान में अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। अधिकार मानव की अनिवार्य आवश्यकता तथा मांग है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ भारी सुविधाओं और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, यही अधिकार कहलाती है। अधिकार दो तरह के होते हैं, नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अधिकारों का संबंध व्यक्ति से, समाज से और राज्य से होता है। वैसे बात करें तो जो अधिकारों की अवधारणा है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन इसको आधुनिक रूप मैग्ना कार्टा की घोषणा, बिल ऑफ राइट्स, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की घोषणा और मानव अधिकारों की घोषणा ने दिया। अब बात करते हैं हम मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? वे अधिकार जो मौलिक तथा अपरिहार्य होने के कारण किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। मूल अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। देश की न्यायपालिका एक प्रहरी की भांति इन अधिकारों की रक्षा करती है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकालकर अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया है। उसके पश्चात भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करते हैं प्रथम अधिकार, समानता का अधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामाजिक परिवेश ही वातावरण को बनाता व बिगाड़ता है। समानता को मानवता की शुरुआत से ही सराहा गया है, मगर यह आधुनिक युग की परिस्थितियां ही हैं जिन्होंने उसे सर्वव्यापी रूप से महत्व प्रदान किया है। समानता के भाव में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना असंभव है। किसकी स्थापना असंभव है? लोकतंत्रात्मक शासन की। अतः भारतीय संविधान में समानता संबंधी अधिकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता संबंधी अधिकार दिए गए हैं, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अंत,
सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत दिया गया है। इस अधिकार में बताया गया है कि देश के सभी नागरिक कानून के सम्मुख समान होंगे, सभी को कानून के समक्ष समान संरक्षण मिलेगा। धर्म, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी सेवाओं में अवसर पर, नियुक्तियों पर, रोजगार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नागरिकों से नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 जिसमें बताया गया है कि सेना और संस्कृति के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी अन्य क्षेत्र में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसा कि ब्रिटिश शासनकाल में होता आया था। समानता के अधिकार के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार आता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के बिना अन्य अधिकारों की ना तो कल्पना की जा सकती है, ना ही उनका उपयोग हो सकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसमें भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तथा शस्त्र विहीन होकर सभा करने की स्वतंत्रता, संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, आजीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें नागरिकों को भाषण देने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, शस्त्र विहीन और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, भारत देश में कहीं भी भ्रमण करने की, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार करने की और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता दी गई है। इन स्वतंत्रता के अलावा अनुच्छेद 20 में बताया गया है किसी नागरिक को बिना किसी अपराध के कोई दंड नहीं दिया जा सकता, और अनुच्छेद 21 के अनुसार जो है जीवन के अधिकार को मान्यता। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से बिना विधि सम्मत प्रक्रिया के वंचित नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है बंदीकरण और निरोध में संरक्षण की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को तब तक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसको बंदी बनाए जाने कारण से अवगत ना करा दिया जाए। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार आता है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी कार्य के लिए गरीब मिस्त्री और मजदूरों द्वारा दयनीय दशा में काम लिया गया हो और उन्हें तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी दी गई हो, जो कि बंधुआ मजदूरी जैसा है, तो ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा उसे न्यायालय में चुनौती दी गई ताकि मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके जिसके वे हकदार थे। तो ये शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण ही उन मजदूरों को न्याय मिल सका। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करने का अधिकार नहीं रखता है, और न ही कोई भी किसी स्त्री, पुरुष या व्यक्ति का क्रय विक्रय कर सकता है, और 14 वर्ष के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध और कारखानों में बाल श्रम आदि पर निषेध, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में दिया गया है। नेक्स्ट अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण संविधान भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान के अनुसार
भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को इसमें सन 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और देश सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता तथा समान व्यवहार में विश्वास रखता है। भारतीय संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, संप्रदाय के हो, उन्हें अपने धर्म के अनुसार उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अतिरिक्त धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति पर कोई धार्मिक संस्था अपने विचारों को बलपूर्वक नहीं थोप सकती और किसी भी धार्मिक संस्था से राज्य द्वारा कोई कर नहीं लिया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद जो नेक्स्ट अधिकार आता है वह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा कला है, हमारे जीवन की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विषय शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इन विषयों का समुचित संगठन और प्रतिपादन ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इनकी संपूर्णता ही जीवन की संपूर्णता है। इस संपूर्णता का संबंध व्यक्ति की संस्कृति से भी होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी मातृभूमि से घनिष्ठ संबंध होता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति का अध्ययन करे, उसे व्यक्त करे और अपने जीवन में उसी का अनुसरण करे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माता द्वारा संस्कृति व शिक्षा को भारतीय संविधान में स्थान दिया गया और अनुच्छेद 29 से 30 तक संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, देश के नागरिक हैं, सभी को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा संचालन का अधिकार दिया गया है और संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 21A को धारा 21 के बाद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के बाद जो आता है छठा अधिकार, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। ये संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकारों का तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक इन्हें कोई बाध्यकारी शक्ति प्राप्त ना हो। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी मूल अधिकारों में सम्मिलित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है। दूसरा आता है परमादेश। यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। तीसरा है निषेधाज्ञा। यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार का
उचित उपयोग नहीं करता है या अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उस न्यायालय के कार्यों को रोकने के लिए यह प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। निषेधाज्ञा के बाद आता है अधिकार प्रच्छा। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उत्प्रेषण। यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उसे ऊपर की अदालत में हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार ये पांच लेख बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रच्छा और उत्प्रेषण। इन लेख के बाद हम बात करते हैं मूल अधिकारों का स्थगन। साधारणतः संसद, कार्यपालिका अथवा राज्य की विधानसभाएं नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित नहीं कर सकती, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तब उस स्थिति में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। मूल अधिकारों का महत्व। मूल अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। व्यक्ति को भौतिक व नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक हैं। विधि के शासन की व्यवस्था में सहायक हैं। देश में सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। पंथ निरपेक्ष की छवि को बल प्रदान करते हैं और सरकार पर मनमानी करने से अंकुश लगाते हैं। और मूल अधिकार नागरिकों को राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व राज्य के संचालन के लिए निर्देश हैं, राज्य के लिए आदर्श हैं, एक नैतिक आचार संहिता है और प्रशासन के मार्गदर्शक है। भारतीय संविधान में नागरिकों में समानता लाने, सबका कल्याण करने के लिए एक निदेशक सूची रखी गई थी। इस निदेशक सूची को ही राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में इन तत्वों का वर्णन किया गया है। ये नीति निदेशक तत्व बताते हैं कि भारत में प्रशासन किस तरह चलाया जाना चाहिए और देश में कानून का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व, शासन सुधार संबंधी तत्व, सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। मौलिक अधिकार यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है और नीति निदेशक सिद्धांत यह समाज की भलाई के लिए है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य का क्या अर्थ होगा और नीति निदेशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न करेगा जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, भौतिक और आर्थिक संसाधनों का बंटवारा करेगा, यानी कि केंद्रीयकरण न होकर के विकेंद्रीयकरण, ताकि अधिकतम लोगों का कल्याण हो और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा। 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर राज्य कमजोर व दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, स्थापना करेगा व बढ़ावा देगा और राज्य
अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर सभी लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा और लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य कार्य की न्यायसंगत व मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा, महिलाओं को निशुल्क प्रसूति सहायता प्रदान करेगा, कर्मकारों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन की व्यवस्था करेगा, राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और राज्य द्वारा सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होगी। राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के उपबंध का प्रयास करेगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। जन स्वास्थ्य का विकास एवं जीवन स्तर ऊंचा उठाना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य द्वारा नशीली वस्तुओं एवं मद्यपान आदि पर नियंत्रण लगाना, ये सब कर्तव्य राज्य के होंगे। राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा, देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयत्न करेगा, राज्य अन्य राष्ट्रों से न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखेगा। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व में अंतर। सभी मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है। राज्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इन अधिकारों को न तो खत्म कर सकता है और न ही इन अधिकारों पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों और राज्य के बीच के संबंधों की विवेचना की गई है, जबकि नीति निदेशक तत्वों में राज्यों के नागरिकों के साथ संबंध के अलावा उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति की विवेचना भी शामिल है। मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए राज्य को बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्वों के लिए नहीं। केशवानंद भारती बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहा जा सकता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उन लक्ष्यों का वर्णन है जिन्हें प्राप्त किया जाना है और मूल अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर जी के शब्दों में, हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, हम आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के आदर्शों को भी सामने रखें। निदेशक सिद्धांत यह गारंटी करते हैं कि किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, उसे इन नीति निदेशक सिद्धांतों का सत्कार करना ही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। वर्ष 2002 में इसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। इन कर्तव्यों को नैतिक आदेश व पथ प्रदर्शक के रूप में प्रकट किया गया है। मूल कर्तव्य। भारत में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान द्वारा स्थापित आदर्शों का पालन करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे,
भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। गौरवशाली परंपरा और सामासिक संस्कृति का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उद्यम और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो विद्यार्थियों, आज आपने अध्ययन किया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों से क्या आशय है, भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकार जहां सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वहीं निदेशक तत्व सरकार को कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान इतना ही। धन्यवाद।